21 जनवरी तक सारी दिल्ली के अंदर सभी वार्ड्स में सीरो सर्वे किया गया। इस बार सबसे बड़ा जो अभी तक के सारे सीरो सर्वे थे उसमें सबसे बड़ा सीरो सर्वे था। 28,000 सैंपल लिए गए और सभी म्यूनिसिपल वार्ड से 100-100 सैंपल लिए गए और NDMC और दिल्ली कंटोनमेंट से भी सैंपल लिए गए, तो कुल मिलाकर 28,000 सैंपल लिए गए थे। उसकी रिपोर्ट आ गई है। अभी मैं आपको बता दूं कि इस बारी जो सीरो सर्वे आया है पूरी दिल्ली का ओवरऑल 56.13% लोग सीरो सर्वे में पॉजिटिव पाए गए हैं। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि वो पॉजिटिव हैं, इसका मतलब ये कि एंटीबॉडीज उनके शरीर में पाई गई हैं, वो लोग पहले इन्फेक्ट होकर ठीक हो चुके हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है उनको, मतलब एक बार उनको इन्फेक्शन हुआ और ठीक हो चुके हैं। और सबसे ज़्यादा दिल्ली के अंदर 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो सबसे कम जो प्रिविलेंस थी वो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में थी, 49.09% थी। और सबसे ज़्यादा साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर 62.18, साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में 62.18% 62.18% है जो कि सीरो प्रिविलेंस पाई गई। इसको हम दूसरी तरह से कह सकते हैं कि 49% से लेकर 62% तक, 49% से लेकर 62% तक दिल्ली के अंदर लोगों के अंदर एंटीबॉडीज पाई गई हैं और एवरेज 56.13% जो लोग हैं पॉजिटिव होके ठीक हो चुके हैं। ये सीरो सर्वे जो है देश के अंदर सबसे बड़ा सीरो सर्वे अभी तक का हुआ है, किसी भी राज्य ने अभी तक इतना बड़ा सर्वे नहीं किया था। इस सर्वे को करने के अंदर हमारे पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट ने दिन और रात काम किया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ पिछला जो सीरो सर्वे था उसमें लगभग 25-26% के करीब पॉजिटिविटी पाई गई थी और ये फिफ्थ सीरो सर्वे था। अब दिल्ली के अंदर जो केसेस हैं काफ़ी कम हो गए हैं, 200 से कम लगातार पिछले 10-12 दिन से 200 से कम आ रहे हैं और पॉजिटिविटी जो एक समय पर 15% तक भी चली गई थी, पॉजिटिविटी 1% से भी कम है पिछले एक महीने से, मोर देन ए मंथ, ये 1% से भी कम चल रही है। फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि पॉजिटिविटी कम है, केसेस भी बहुत कम है, हॉस्पिटल्स में एडमिशन भी बहुत कम हो रहे हैं, उसके बावजूद भी मास्क ज़रूर लगा के रखें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ये ध्यान रखिएगा। पिछले 2-3 महीने में दिल्ली की पूरी जनता ने बहुत बहुत ज़्यादा सहयोग किया है, सभी लोगों ने बड़ी मेहनत भी की है। अब सड़क पे देखेंगे सब लोग मास्क लगा के, मैं यहाँ पर भी देख सकता हूँ कि सभी ने मास्क लगाया हुआ है। अभी आपको कुछ दिन और कुछ महीने और अभी मास्क लगाने की ज़रूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग रखने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि हम सब लोग मिलकर इस बीमारी पर कंट्रोल पा सकेंगे।